हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनाऊंगी, जो नवरात्रि स्पेशल है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलते हैं रेसिपी में आगे। इसके लिए सबसे पहले दूध लेंगे, तो दूध मैं 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ, 1.25 लीटर दूध है। तो दूध को अच्छे से बॉयल कर लेंगे, और ये साबूदाना है, 1 कप साबूदाना ली हूँ। इसे अच्छे से पानी से 3-4 बार साफ पानी से धो लेंगे। तो मैं धो करके रख ली हूँ। उसके बाद जब दूध अच्छे से उबल जाएगा, उसके बाद इसे डालेंगे। देखिए, ये थोड़े मीडियम साइज़ के साबूदाने हैं। साबूदाने 3 तरह के होते हैं, एक थोड़े बड़े बड़े होते हैं और एक छोटे छोटे। तो देखिए, दूध जब अच्छे से उबल जाएगा, उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर साबूदाने को डाल देंगे। देखिए, साबूदाना इसमें डाल दी हूँ। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पर ही इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, वरना अंदर से चिपक जाता है, इसलिए ध्यान रखें। बस ये 5 से 7 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है। साबूदाने को भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए इसमें घी और तेल का यूज नहीं करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, अब ये गाढ़ा होने लग गया है, बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होने लगता है। और एक एक दाने देख सकते हैं आप लोग, कैसे बिल्कुल मोती के जैसे दिखने लगते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे, चलाते हुए ही इसको पकाना है। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसको पक करके ये तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं, ये बन चुका है। तो अब इसमें चीनी डाल देंगे। तो जितना साबूदाना ली हूँ, उतनी ही चीनी लें, उससे थोड़ा कम लेंगे। तो 1 कप साबूदाना ली थी, तो 1 कप से थोड़ा कम चीनी लेंगे। अगर 1 कप डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कम डालते हैं। तो मैं थोड़ा कम डाली हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो 1 कप साबूदाने में 1 कप चीनी का यूज करें। तो देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो अब बन चुका है। तो इसी समय थोड़ा सा किशमिश और बादाम को कट कर ली हूँ, ये डाल देंगे। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। तो इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस बंद कर ली, गैस बंद कर दें। उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल 5 से 7 मिनट में ही ये साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो जाती है। नवरात्रि स्पेशल बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बिना कोई परेशानी का। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, एक एक दाना बिल्कुल मोती के जैसा खिला हुआ है। बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं डाली हूँ, मुझे इसी तरह से पसंद है इसलिए। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी, ये ठंडी हो गई है। उसके बाद देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट बनने वाली सबसे आसान साबूदाने की रेसिपी है। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस नवरात्रि में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फुल वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। तो अब इसे थोड़ा सर्व कर लेते हैं, थोड़े से बादाम और किशमिश से इसको गार्निश कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।